हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर सेमेस्टर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर घातांक और करनी को देख रहे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक ऑलरेडी देख चुके हैं और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियोज में एंड तक बने रहें और आप इन सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते रहें। चलिए आप वीडियोज में एंड तक बने रहें और आप इसका मजा लेते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा गया है 2 to the power n लिखा गया प्लस 2 to the power n माइनस वन डिवाइड बाई लिखा गया 2 to the power n प्लस 1 और माइनस लिखा गया है 2 to the power n। इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, अगर 2 to the power n है इसको रहने देते हैं, हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2 to the power n है तो 2 to the power n होगा, प्लस है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे 2 to the power n माइनस 1 है और हम लोग पहले भी चूंकि लास्ट क्लास में लोग ऐसा पढ़ चुके, यदि अगर a का पावर x बाई a का पावर y अगर होता है यानी बेस अगर सेम रहेगा तो यहाँ पावर का माइनस हो जाता है, a का पावर x माइनस y होता है। तो ऐसा फॉर्मेट में अगर दिया गया फ्रेंड्स हम लोग 2 का पावर n माइनस 1 है, इसको हम लोग फ्रिक्शन में ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power n by 2 to the power 1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये रहने दिए प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 to the power n डिवाइड बाई हो जाएगा 2 to the power 1 का वैल्यू 2 ही आएगा। नीचे अगर देखा जाए तो इसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्लस दिया गया, प्लस मतलब यहाँ पे गुना होगा। हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि a का पावर x गुना a का पावर y अगर होगा तो यहाँ पावर का एड होता है, यानी हो जाता है a का पावर x प्लस y ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 to the power n into 2 to the power 1। तो ऐसा होगा तो हम लोग बेस सेम है तो पावर का एड हो जाएगा एन प्लस वन जो कि यहाँ पे दिख रहा, ये माइनस तो माइनस रहने दीजिए 2 का पावर n ऐसा। आगे अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए 2 to the power n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बोलेंगे 2 to the power n अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे हम लोग बचेगा, यहाँ पे हम लोग बचेगा ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में कितना रहेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 रहेगा। इधर अगर देखा जाए तो 2 to the power n यहाँ पे फिर हम लोग नीचे में भी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हम लोग का 2 बच जाएगा और माइनस यहाँ पे हम लोग बच जाएगा ये 1 बच जाएगा ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 2 to the power n आपस में कट जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 1 है और प्लस 1/2 है, यानी कि एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 into 1 ये 2 हो जाएगा और प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को ऊपर से गुणा करेंगे 1 होगा। नीचे अगर देखा जाए तो 2 - 1 = 1 हो जाएगा, यानी आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और नीचे में 1 है फ्रेंड, तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो 3/2 यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे 17 में लिखा गया है व्यंजक हमको दिया गया, क्या दिया गया फ्रेंड तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, लिखा गया √5 टू दी पावर 5 है और फिर यहाँ पे लिखा गया इनटू, फिर यहाँ पे लिखा गया √5 टू दी पावर हमको दिया गया -3 है और डिवाइड बाय नीचे में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, तो लिखा गया √5 टू दी पावर -2 तब हॉल का पावर दिया गया हम लोग का 3/2, हम लोग का हॉल का पावर 3/2 ऐसा कुछ दिया गया, इसका वैल्यू हमको बताने है क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 टू दी पावर √5 है तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि अगर हम तोड़ेंगे तो 5 टू दी पावर 1/2 लिखेंगे, इसका पावर कितना फ्रेंड तो यहाँ पे 5 है और इनटू फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 5 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, 5 टू दी पावर 1/2 होगा, 1/2 होगा और इसका पावर है -3 है और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 टू दी पावर 1/2 होगा
इसका पावर -2 -2 और इस पूरे का ऑल का पावर हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया है 3/2 दिया गया, ऐसा कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अगर देखेंगे तो 5 to the power, ये हम लोग जानते हैं कि a का पावर यदि अगर x है, a का पावर x है और इसका पावर अगर हम लोग को ये y दिया हुआ है, मतलब क्या होगा a का पावर x इंटू y, a का पावर एक्स वाई, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखेंगे 5 to the power 5/2 होगा और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 to the power -3/2 5 to the power -3 -3/2 ऐसे कुछ हो जाएगा। नीचे अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 5 to the power -2/2 -2 -2/2 ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पूरे का पावर कितना दिया गया फ्रेंड्स, पूरे का पावर हमको दिया गया 3/2 है, यानी हमको लिखा गया 3/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग का यहाँ पे 5 to the power 5/2 है, इंटू है, यहाँ बेस सब जगह बराबर है, तो बेस अगर बराबर है तो हम लोग का पावर का क्या, अगर इंटू है तो पावर का एड हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमको डिवाइड में है तो यहाँ हमको ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5 है और पावर को सबको एड कर दे रहे, देखिए पावर को एड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 3/3/2 हो जाएगा, आई नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कट करके 1 हो रहा, यानी कि हम लोग का 1 हो रहा तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी 1/1 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है। और इस पूरे का पावर फ्रेंड्स, इस पूरे का पावर हम लोग को दिया गया कितना दिया गया था 3/2 ऐसा कुछ दिया गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 5 to the power 5 to the power, देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग को 2 आएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग को 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पूरे का पावर कितना दिया फ्रेंड्स, हम लोग ये 3/2 दिया गया। आप चलिए समझिए यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में से अगर 3 जाएगा तो हम लोग का 4 बचेगा, मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 to the power, देखिए 5 2 7 7 में से 3 गया 4, यानी 4 हो गया, 4/2 हो गया, जिसका पावर हम लोग को दिया गया 3/2 3/2 कितना दिया गया 2 दिया गया है, ऐसा कुछ है। इसको अगर आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे 2 से पहले कट करते हैं 2 times, यानी हो गया 5 का पावर 2 का पावर है हम लोग का 3/2 3/2। अब यहाँ पे a का पावर m का पावर n है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 5 to the power 3 5 to the power 3, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 में क्या लिखा गया है, 81 to the power है हम लोग का -2 है, इसका पावर दिया गया -2 -2, इसका वैल्यू हमको बताने है क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए समझिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं 81 to the power हम लोग क्या लिख सकते हैं 81 to the power -1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं और इनटू ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 2 to the power है, 2 to the power -2 है, 2 to the power कितना है -2 है, ऐसा कुछ लिखेंगे। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे 81 to the power -1 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/1/81 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का ये पावर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 81 to the power -1 हो गया, और इनटू 2 to the power -2 है, 2 to the power -2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ये अगर हम लोग का माइनस अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको आगे अगर एक स्टेप अगर बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे 81 to the power -1 है, और इनटू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 1/4 1/4, ये हम लोग का पावर में 1/4, तो 1/4 अगर पावर में है तो हम लोग लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 81 to the power -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/81 लिखेंगे, ये जो हम लोग का पावर में 4 है तो पावर हम लोग का इधर हम लोग का यहाँ 4√ चढ़ जाएगा, यानी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए यानी कि 81 यानी कि हम लोग 4 रूट 1 बाई 81 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 तो रहेगा ही, 1 बाई 81 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग 81 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए 81 है, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1 बाई 3 × 3 × 3 × 3 ऐसा 3 कितने बार लिखे, 4 टाइम्स लिखे, 3 किया 9 किया 27 किया 81 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट में हम लोग का 2 का डिजिट में 1 डिजिट बाहर आता है, क्यूब रूट में 3 डिजिट का 1 डिजिट बाहर आएगा, यहाँ 4 रूट है तो यहाँ पे हम लोग 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, उसमें से 1 डिजिट बाहर आ जाएगा, इसका जो फाइनली वैल्यू होगा क्या होगा, हो जाएगा 1/3, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90, देखिए 90 में लिखा गया कि 2 to the power -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, तथा हमको फिर फाइंड करना है कि 2 to the power 2 का पावर -2 है, -2 है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 का स्क्वायर है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे 2 का पावर 4 बराबर हो जाएगा 16। इधर में चले आइए, देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 दिया गया, यहाँ पे 2 दिया गया, 2 का पावर यहाँ पे -2 है, 2 का पावर हम लोग को 2 है, उसका पावर -2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, ये माइनस को अगर हटाना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो खैर हम लोग लिख दिए, और 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर हो जाएगा हम लोग का 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं कभी भी अगर हम लोग का मान ले x का पावर अगर -1 अगर हुआ ना, तो इसको हम लोग 1/x लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस हट जाता है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है, और यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा 1/4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 रूट में डाल देते हैं, यहाँ 4 हम लोग का यहाँ पे रूट में इधर चला जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा हमको फाइनली वैल्यू क्या है फ्रेंड, तो हम लोग 16 और 4 रूट 2 आया, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बोलेंगे, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा जिसमें 16 होगा, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 4 root 2 होगा, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 लिखा गया है कि 2 to the power हम लोग का लिखा गया -2 है, और फिर यहाँ पे लिखा गया प्लस, फिर लिखा गया -2 2 to the power 2, ये वैल्यू इसका किसके बराबर होगा, तो चलिए समझिए बात को, 2 to the power -2 है फ्रेंड, तो 2 to the power -2 ये अगर इसको अगर हम हटाएंगे माइनस को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस तो प्लस रहेगा, -2 का स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे 4 हो गया सीधा सीधे, यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा, तो 1 आप ले सकते हैं, आगे अगर हम लोग देखेंगे इधर तो बोलेंगे हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4/1 है, इसका एलसीएम अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 + यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी फाइनली हो जाएगा 17/4, इसका वैल्यू आ जाएगा 4/1/4, और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 में लिखा गया 2 to the power 3 है, और 3 to the power हम लोग को 2 दिया गया, फिर लिखा गया माइनस, फिर यहाँ लिखा गया 2 to the power हम लोग का 3 है, और इस पूरे का पावर हम लोग को 2 दिया गया, ये किसके बराबर होगा हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे लिखा गया a^x/y ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये a^x/y है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फ्रेंड्स ये 2 तो है ही, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे a^x/y, यानी a^x है और x^y होगा ना, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 3 × 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड, तो बोलेंगे 2 to the power हम लोग 6 कॉमन कर देंगे, बोलेंगे 2 to the power 6 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग बचेगा 2 to the power 3 और यहाँ बचेगा 1, ऐसा कुछ हो जाएगा।
यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा इनटू यहाँ पे हम लोग 8 हो गया माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि फाइनल आंसर कहलाएगा। बोलेंगे 7 × 28 के 8 हल में 2 और 7 × 6 = 42 बयालीस, 7 × 6 = 42 बयालीस 43 = 44 यानी कि 44 हो, यानी 448 होगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, देखिए लिखा गया हम लोग का 2.4 इनटू 10⁻³, 10⁻³ है और डिवाइड फिर हमको दिया गया है इधर लिखा गया 8 इनटू लिखा गया 10⁻², 10⁻², इसका वैल्यू हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड्स समझिए बात को, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से पहले डिवाइड लिखेंगे, लिखेंगे 2.4 इनटू 10⁻³ है और यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे 8 हो जाएगा और इनटू 10⁻²। चलिए आगे समझिए बात को, तो यहाँ पे ये पॉइंट अगर हटेगा फ्रेंड, चलिए यहाँ पे अगर पॉइंट को अगर हम हटा देंगे, ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 बैठेगा। 8 से अगर काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो हम लोग ये 10 बार में कटेगा, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, बोलेंगे 3 × 10⁻³ बाई यहाँ पे 10⁻¹ है और यहाँ 10⁻², मतलब फाइनली हो जाएगा 10⁻¹, क्योंकि यहाँ पे +1 है यहाँ -2 है तो -1 हो जाएगा। और इसको अगर आगे अगर लिखेंगे फ्रेंड तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर तो आपका 3 रहेगा, 3 है इनटू यहाँ पे 10⁻³ है और ये जब माइनस ऊपर अगर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी फाइनली जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा 3 × 10⁴ जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लिखा गया 64⁻ लिखा गया -1/2 है और फिर लिखा गया -32⁻-4/5 ऐसा कुछ दिया हुआ, इसका वैल्यू हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं 64 है, 64⁻¹ × 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो लिखेंगे माइनस है तो माइनस देंगे और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं −-32⁻¹ × 4/5 ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को, यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग माइनस को हटाना है तो हम लिख सकते हैं 1/64 लिखेंगे। अच्छा ये पावर में 2 है तो यहाँ पे हम लोग ये रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि हम लोग 2 हम लोग यहाँ पे चला जाएगा और ये माइनस है तो माइनस रहने देंगे हम लोग। और फिर यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, ये माइनस हम लोग 32 है, ये माइनस को अगर हटाना, ये पावर माइनस को अगर हटाना तो लिखेंगे 1/ ये माइनस में है −32 इसका पावर हो जाएगा हम लोग कितना, ये इतना हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए इसका पावर हम लोग हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 5 जो है फ्रेंड्स, 5 हम लोग का चला जाएगा यहाँ पे, 5 हम लोग का चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 5 रूट हम लोग इधर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे 1/64 है तो 64 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो हम लोग निकलेगा 1/8 निकलेगा, 8 निकलेगा माइनस। यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे हम लोग कितना फ्रेंड्स, यहाँ 5 रूट है और माइनस हम लोग कितनी बार है 4 बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/32 × 1/32 × 1/32 और फिर एक बार लिखना पड़ेगा 1/32 ऐसा क्यों 4 बार, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये 5 है, कितना है 5 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁵, यानी हम लोग 1/32 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 32 यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 32, यानी एक बार 32 को हम लोग 1/2⁵ ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ये 1/8 तो हो गए माइनस, यहाँ से हम लोग कितने बार, यहाँ से हमको निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से 2 और यहाँ से निकलेगा 2, यानी हम बोलेंगे फाइनली हो जाएगा 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 ऐसा कुछ हो जाएगा। और आगे अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 1/8 तो हो गई, 1/8 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा माइनस
1 by 1 by देखिए 2 × 4 × 8 × 16 यहाँ पे लेगा 16। अब इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा। 8 से डिवाइड देंगे 2 टाइम्स में, 2 को ऊपर से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 16 6 में डिवाइड देंगे एक बार में 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी हो जाएगा 1 by 16 और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए लिखा गया 2 4 3 2 power लिखा गया 1 by 7 इनटू भी लिखा गया 3 to the power है हम लोग का 2 by 7 और फिर लिखा गया डिवाइडर हमको लिखा गया 27 to the power हमको लिखा गया यहाँ पे ये वाट है, वाट है इसको कितना दिया गया फ्रेंड्स ये 1। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे ये वाट की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 to the power हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं 3 to the power 5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते ये 2 4 3 को लिख सकते 3 to the power 5 लिखेंगे और इनटू इसका पावर हम लोग का 1 by 7 इनटू फिर यहाँ लिखेंगे 3 to the power 2 by 7 है और यहाँ पे हम लोग का चला जाएगा नीचे डिवाइड में चला जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 27 को क्या लिख सकते हैं लिखेंगे 3 to the power 3 और यहाँ पे हम लोग ये कुछ नहीं तो मान लेते हैं यहाँ पे x है इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है फ्रेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 3 to the power 0 क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 अगर डायरेक्टली वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा, जैसे a का पावर अगर 0 बराबर कितना आएगा तो 1 आएगा, ऐसा कुछ होता है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग का बेस सेम है तो पावर का एड होगा और यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब बोलेंगे 3 to the power कितना हो जाएगा 5 by 5 by 5 by 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर गुना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 by 7 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3x by नीचे 1 मान लेते हैं बराबर, इधर हम लोग को दिया गया 3 to the power 0, ये 3 आपस में हम लोग कट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ सभी को अगर एड हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ बोलेंगे हम लोग ये दोनों को एड कर देंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे 5 by 7 + 2 by 7 इसको इधर रखेंगे, ये -3x को उधर ले जाएंगे हो जाएगा हम लोग ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 7 हो जाएगा, इन्हें हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा हम लोग ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी इधर हम लोग कितना गया फ्रेंड, ऊपर भी 7 नीचे भी 7 यानी हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा, इसलिए हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू आ जाएगा वो जो 1/3 और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए लिखा गया 2 to the power 3 का पावर दिया गया है 7 का पावर 7 दिया गया, फिर लिखा गया डिवाइडर लिखा गया 4 to the power 7 और इन सभी का ऑल पावर हमको दिया गया, ऑल पावर कितना दिया गया फ्रेंड, तो लिखा गया 1/4, इसका वैल्यू हमको बताना क्या हो, तो चलिए समझिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए a का पावर x का पावर y है तो हम लोग लिखेंगे 2 to the power 21 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग डिवाइड है तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का है यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 लिखेंगे और जो कि 7 से गुना हो जाएगा ये हम लोग हो जाएगा 14 हो जाएगा और इसका पावर कितना दिया गया, ये 1/4 दिया गया। आगे अगर देखा जाए देखिए 2 to the power 21 है और 2 to the power हम लोग का 14 है ऐसा कुछ दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का बेस अगर सेम रहेगा तो यहाँ वैल्यू क्या होगा हम लोग घट जाएगा है ना, यहाँ पे डिवाइड है मतलब ये माइनस हो जाएगा, बोलेंगे 2 to the power 2 to the power हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड 21 - 21 - 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अरे इन सभी का पावर कितना फ्रेंड, तो ये 1/4 है। आगे अगर देखेंगे तो 2 to the power कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 to the power 21 - 14 यानी हो जाएगा 7 हो जाएगा, जिसका पावर कितना है तो ये 1/4 है। फाइनली अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये 4 जो है ना 4 हम लोग क्या करेंगे ऐसा बोल सकते हैं 4√ हो जाएगा, 4√ यहाँ पे 4√ चढ़ जाएगा और 2 to the power 2 to the power हो जाएगा 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको अगर एक स्टेप अगर आगे अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 4√ है
और यहाँ पे लिख सकते हैं 2^4 × 2^3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। और इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग का 4 हम लोग रूट 4 है और 2^4 है, एक बार हमको 2 बाहर आ जाएगा, 2 हम लोग का आ जाएगा बाहर और हम लोग का ये हो जाएगा 4 रूट हो जाएगा और 2^3 हम लोग आ जाएगा 3, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए लिखा गया a^-25 और माइनस फिर दिया गया a^-26, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे पहले ये माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने वाला हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/8 × 25 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि डिवाइड में चला गया माइनस। फिर यहाँ लिखेंगे 1/8 × 25, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड 26, ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1/8 × 25 को कॉमन कर लेते हैं, 1/8 × 25 को हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा हम लोग का 1 बचेगा माइनस, यहाँ पे हम लोग बचेगा 1/8 बचेगा। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a^-25, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऊपर चला गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग कितना हो गया तो 8 - 1 बराबर, यानी इधर हो गया हम लोग 7/8 हो गया। आगे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a^-25 तो है ही, और (7) है, और ये अगर ऊपर जाएगा तो a^-1 ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे तो देखिए a^-25 और a^-1 है, और यहाँ (7) तो बोलेंगे 7 × a^-26 हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।